आज की इस वीडियो में हम आपके डिवाइस के अंदर OTG टेस्ट करने वाले हैं कि क्या आपका फ़ोन OTG सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो गाइस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले गाइस हमको क्या करना है, गाइस हमको एक OTG चाहिए जो कि हमारे पास है और हम इसको सबसे पहले फ़ोन के अंदर करते हैं कनेक्ट सीधा, बिना टाइम वेस्ट करें हम इसको कनेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ गाइस यहाँ पे आपका USB ड्राइव कनेक्ट हो चुका है। आपको उस पर कर लेना है क्लिक, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसकी सेटिंग के अंदर खुल जाते हैं। मतलब ये है गाइस इस डिवाइस के अंदर OTG आपका कनेक्शन एक्टिवेट रहता है, मतलब आपको कुछ खास ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी आसानी से हो भी जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारी ड्राइव कनेक्ट तो हो गई है, बस गाइस अभी यहाँ पे लोडिंग चल रही है। आई डोंट नो क्यों लोडिंग इतनी टाइम क्यों ले रही है, बट गाइस इस फ़ोन के अंदर आपकी जो OTG है वो अच्छे से काम करती है और आप उसको यहाँ से कनेक्ट भी करा सकते हैं। तो चलिए गाइस एक बार हम चेक कर लेते हैं कि OTG कनेक्ट तो हो गई है बट इसने इतना टाइम कैसे ले लिया। तो गाइस वैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस वो अभी भी हाँ ओके गाइस अभी हो गई क्लिक यहाँ से। तो उस टाइप से गाइज आप देख पा रहे हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर OTG कनेक्ट करा सकते हैं, मैंने आपके सामने करके दिखाई है। तो गाइज आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।